दिल्ली में शनिवार शाम को सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि लोधी रोड इलाके में 1.7 तक पारा गिर गया है। राजधानी के आया नगर इलाके में तापमान 1.9 डिग्री, सफदरगंज में 2.4 डिग्री तक पारा गिरा। पालम में 3.1 डिग्री तक पारा पहुंच गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस साल क्यों ठंड पड़ रही है, इतने कड़ाके की ठंड कैसे टूटा 118 साल का रिकॉर्ड। इस साल जबरदस्त ठंड पड़ रही है, दिल्ली में तो सर्दी ने 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। शनिवार सुबह दिल्ली के लोधी रोड इलाके में तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबरदस्त सर्दी की वजह से लोग घरों में दुबके हैं, कामकाज के लिए बाहर निकलने वाले लोगों का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में ठंड की वजह से मौत के कई मामले सामने आए हैं। आमतौर पर हर साल दिसंबर के आखिरी और जनवरी के पहले हफ्ते में ज्यादा ठंड पड़ती है। इस दौरान कई इलाकों के तापमान 4 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाते हैं। दिसंबर में 16 से 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान नहीं पहुंचता। उत्तर और उत्तर पूर्व भारत के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा ही सर्दी पड़ रही है। इस बार की सर्दी में कई इलाकों का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा है। दिल्ली में 27 दिसंबर तक औसत अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसा पिछले 118 साल में 4 बार ही हुआ है। मौसम विभाग बता रहा है कि 1901 के बाद ये सबसे सर्द दिसंबर है। 1901 में दिल्ली का अधिकतम तापमान औसत तौर पर 17.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। दिल्ली में लगातार 14 दिनों से जबरदस्त ठंड पड़ रही है। ये 1997 के बाद पहली बार हो रहा है। 1997 में 13 दिनों तक लगातार कड़ाके की ठंड पड़ी थी। अभी जिस तरह से सर्दी दिल्ली में पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि मौसम कुछ और रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ठंड बहुत अधिक और ठंड और कड़ाके की ठंड तय करने के लिए मौसम विभाग ने कुछ पैमाने तय कर रखे हैं। अगर दिन में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहता है तो इसे दिन की सर्द दिन कहते हैं। उसी तरह से अगर दिन का अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 6.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक रहता है तो इसे बहुत अधिक सर्दी पड़ना कहते हैं। वहीं अगर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 7 से 12 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है तो इसे कड़ाके की ठंड पड़ना कहते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह की सर्दी पड़ रही है उसे असामान्य नहीं कहा जा सकता। आमतौर पर उत्तर और उत्तर पूर्व भारत में पश्चिमी हिस्से और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से सर्द हवा आती है। इन इलाकों में सर्दी इस बात पर भी निर्भर करती है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश जैसे सट्टे इलाकों में कितनी बर्फबारी हुई है। ये सारी स्थितियां हर साल बदलती रहती हैं। इसी के हिसाब से सर्दी कम या ज्यादा भी होती रहती है। सर्दी ज्यादा पड़ने की असल वजह है क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में ज्यादा सर्दी भी पड़ रही है और ज्यादा गर्मी भी। पिछले कुछ वर्षों में ये लगातार देखने में आ रहा है। ये आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। इसी तरह से बाढ़ और सुखाड़ की स्थितियां भी बढ़ने वाली है। पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन की वजह से बेकाबू परिस्थितियां बन रही है। इसी साल अगस्त और सितंबर महीने में भारत में मौसम के मिजाज के विपरीत बारिश हुई है। सितंबर की बारिश ने मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरान किया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से अब मौसम के मिजाज को भापना मुश्किल पड़ गया है। इस बार उत्तर और उत्तर पूर्व भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने की एक वजह वेस्टर्न डिस्टरबेंस का लगातार पैदा होना भी है। ये मध्यम से लेकर तीव्र गति तक रहा है। उत्तर पश्चिम की तरफ बहने वाली हवा का स्तर भी नीचे रहा है, इसी वजह से भी ठंड बढ़ रही है। दिसंबर में धुंध, कोहरा और बारिश की वजह से भी ठंड बढ़ी है। इस बार पाकिस्तान और भारत के बड़े भूभाग में निचले स्तर पर बने घने बादलों से सूर्य की किरणों को ढक रखा है। ये स्थिति लगातार बनी रही है, इसकी वजह से भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ये स्थिति अभी कुछ और दिन तक बने रहने की है। कड़ाके की ठंड से तुरंत निजात नहीं मिलने वाली है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।